हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये देखेंगे स्टोर रूम का डिज़ाइन। ये जो स्टोर रूम है, किचन के साथ में यहाँ पे अटैच बनाया गया है। जस्ट स्टोर रूम के अंदर की साइड में देखने वाले हैं सेल वगैरह किस प्रकार से लगाने रहते हैं। और यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो, पूरा लेमिनेट में डोर बनाया गया है और है सामने की साइड में एक हैंडल लगाया गया है विदाउट होल्डरोप के साथ में। यदि आपको लॉक करना रहता है तो आप होल्डरोप का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हैं जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम का साइज़ है 5 फीट बाई 4 फुट का स्टोर रूम है। और इसमें जो सेल्फ लगाए गए हैं, पूरे ग्रेनाइट के सेल्फ लगाए गए हैं। आप देख रहे हो, जैसे खाना है ऊपर की साइड में यहाँ पे फुल छोड़ दिया गया है। जैसे आप देख रहे हो, ऊपर पीप वगैरह है मोटे, जहाँ पे रेगुलरली यूज नहीं रहना रहता है, वो सामान के लिए यहाँ पे ऊपर छोड़ा गया है। और यहाँ पे हैं पूरा डब्बे के लिए छोटा छोटा जगह छोड़ी गई है, 18 इंच के हिसाब से यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। अब देख रहे हो, यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर 16 mm का पत्थर लगाया गया है। और पीछे की साइड में पूरा टाइल है, टाइल के साथ में यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है। आप देख रहे हो, पूरा है जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट बनाया गया है। यदि ज़्यादा वजन और रखना रहता है तो आप कोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोटा का भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे है ग्रेनाइट लगाया गया पूरा एल शेप में। यदि ये जो वॉल्स में सेल्फ लगाने रहते हैं, इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, इसमें किस प्रकार से फिक्सिंग करना रहता है अंदर की साइड में खांचा लगा के, और टाइल वगैरह किस प्रकार से सेट करना रहता है। आप देख रहे हो, जैसे नीचे है, नीचे भी पूरा भाग छोड़ दिया गया था। और यहाँ पर 18-18 इंच के हिसाब से जैसे आपको ज़रूरत रहती है। यदि पीप का साइज़ मोटा रहता है तो उस हिसाब से आप बड़े गाले भी छुड़वा सकते हो। और नीचे की साइड में यहाँ पे हैं, हमने फुल यहाँ पे जगह छोड़ा गया है, 3 फुट के अराउंड भी यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। दोस्तों, ये जो मेजरमेंट है, मैं टेप लेके यहाँ पे मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ, केवल आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ। लमसम 4 इंच या 6 इंच का उसमें फ़र्क भी हो सकता है। और यहाँ पर हैं गेट है, जस्ट यहाँ पर हम स्टोर रूम के अंदर घुसे हैं। और बाहर सामने की साइड में यहाँ पर किचन है, केवल है यहाँ पर इसमें स्टोर रूम का ही चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे हैं पूरा ऊपर की साइड में लेंटर है, लेंटर पे ही रखा गया, एक लाइट के साथ में यहाँ पे अटैच दिया गया। और पीछे की साइड में यहाँ पे टाइलें लगाई गई, नॉर्मल टाइलें हैं, 1 फुट बाई 1 फुट की टाइलें लगवा सकते हो नॉर्मल वाले। और इस प्रकार से आप देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले कोई भी आप वीडियो मिस नहीं कर पाओ। और यहाँ पर जैसे छोटे छोटे डब्बे यदि लेने रहते हैं तो आप छोटा गाला भी रखवा सकते हो। जैसे 8 इंच का रहता है तो 8 इंच के हिसाब से भी रखवा सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर का भाग है पूरा वेस्टेज चला जाता है। और यदि मोटे पीपे नहीं रखने रहते हैं तो उसके हिसाब से आप गाला छुड़वा सकते हो, और जैसे 8 अथवा 10 इंच के हिसाब से आप गाला छोड़ सकते हो। और नीचे का जो रहता है 1-1 फुट के हिसाब से, और सबसे जो नीचे का रहता है आप 2.5 से 3 फुट के अराउंड में आप गाला रख सकते हो। इस हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे स्टोर लेना रहता है, स्टोर में यदि सेल वगैरह फिटिंग करना रहता है। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।